कम को तेरा मिनारी में वाले मोहम्मद में से सबको पत्र किया गया, मगर फिर भी पूरी दुनिया में यही जगमगा रहे हैं। अच्छा पत्र किसने किया? मैं नहीं कह रहा, वो कहता है वलम यसुबा मिन बनी उमैया अहदुन ला युवाओ फी। काश मैं अब भी आपको समझा पाता। क्या कहता है? आले मोहम्मद में से हर आदमी को कत्ल किया गया, मगर उनकी नस्ल आदमी इतनी ज्यादा कि पूरी दुनिया में जगह बना रही है। कत्ल किया बनी उमैया ने, तो
ठीक है, तो आज से इंशाल्लाह आप तकलीफ है, तो आज से करेंगे, क्योंकि जिसके सूरह कौसर आज याद नहीं है वो कल सूरह कौसर का तो पूरा बिस्मिल्लाह इरहमान इरहीम पढ़ना हर आदमी की जिम्मेदारी है। कम से कम हम तो के बाद दूसरा सूरह वो हो जाएगा जो नमाज में पढ़ सके, अगर अकेला नमाज पढ़े तो। एक मसला, दूसरा मसला ये कि अब कल आइए तो वुजू पर जाइए, बेवुजू ना आइए। ये कोई आम दरबार नहीं है, ये कोई स्टेज नहीं है, ये कोई जलसा नहीं हो रहा कि कोई रात का निवासी पहन के आ गया, कोई बगैर आमादगी के साथ आ गया, नहीं। घर से वुजू करके चलिए, दरवाजा जहां तक आइए, ताकि जब नियत करके मजलिस की अपने घर से चलेंगे और अगर सलवार पढ़ते हुए आ जाए तो ये तो और यकीन हो नहीं सकता। तो जितने कदम ईमान बाड़े तक आपके आए, इतने ही हर कदम से आपके गुनाह माफ होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं वुजू करके आइए और सलवार पढ़ते हुए आइए, रिवाज करते हुए ना आइए, उसको गाजर लेते हुए ना आइए, मजलिसों का पैंचियां लेके ना आइए कि कुछ मिलेगा एक घंटे की मजलिस में तो पारे रंग के भाई फिर आप हैं कौन, सही नहीं है क्या? आप इसलाह के लिए आए हैं, आप पहले बैठे आपकी फजाएं सुनने के लिए आए हैं, बात समझ रहे हैं? कोई मसाला समझ में नहीं आ रहा है तो उसे चेली बोलियां करके गुनाह में दाखिल ना होइए। जी सर, होता ही है, पढ़ता है कोई और मौलवी साहब, पूछा जाता है किसी और मौलवी साहब, और ऐसे में परेशानी हो जाती है बेचारी नाम जमात पढ़ के गया कोई और मौलवी साहब, अब इतना ये क्या पढ़ दिया तुमने, मैं आप खुद में बताइए ये क्या पता कि चाहिए थोड़ी था। तो अगर आप और जो वाणी है बुलाने वाला उसकी भी जिम्मेदारी है। देखिए सवाल पूछने में कोई नहीं करती, मैं आपको बता, और आलिम अगर तौहीन महसूस करे मुझसे सवाल क्यों हुआ, तो फिर इसका मतलब यह है कि आलिम आले मोहम्मद वाला नहीं। दलील है बात, हजरत अली से उल्टे भी सवाल हुए मगर अली ने सीधा ही जवाब दिया नहीं है। और किसी दरबार में दिखाइए मेरे मोहम्मद से सवाल किया हो और अली ने अभी तालीम में काट को इसका गला, किसी जगह है? दूसरों के यहां है, इसलिए कि जहां इल्म होता है वहां गले मिलता नहीं रहता, दूसरों के यहां मिल जाएगा आपको ये कि फला साहब ने फला सवाल क्या करा वहां पहुंचे, क्योंकि अपनी जहालत को छुपाना है बदल करके। अली और औलाद अली का क्या है, अली और औलाद अली आपको बता क्या रहा, मजलिस में इल्म तभी फैलेगा जब आप भी थोड़ा सा आम आदमी के साथ रहिए। तो पहला अमल करके आएंगे वुजू इंशाल्लाह करके आपको समझा दूंगा, ताकि जिंदगी में कभी वुजू में कोई गलती ना हो, होती है गलती है, लेकिन इसमें शर्म नहीं है। अगर आप मुझे जाहिल रहते हुए कोई शर्म नहीं है, आलिम बनने में क्या शर्म है? बहुत बड़ी वाह वाह वाह, अगर मुझे जाहिल रहते हुए शर्म नहीं आ रही है तो आलिम बनने में मुझे क्या शर्म है? तो अगर हमारे मसले क्लियर हो गए और फिर इस वजह से भी जाके चाहे घर जाते हैं नहीं।
यही न जानना उसके ईमान की दलील है। क्या फलसफा पेश किया मेरे पास? अगर कोई आदमी किसी सवाल के जवाब में कहते मैं नहीं जानता, मुझे ये नहीं आता, तो इसका मतलब है आपको भी एतमाद होगा कि जो आता है वो ही बताता है, जो नहीं आता वो नहीं बताता। और ये इसके आदि होने की वजह है, क्यों? दुनिया में आप बड़े से बड़ा डॉक्टर बुला लीजिए, जो पीएचडी हो, जो जानता है वो कम है, जो नहीं जानता वो ज्यादा है, जो जानता है वो कम है, जो नहीं जानता वो बहुत ज्यादा है। मासूम कोई नहीं, इल्मे तकनी का मालिक कोई नहीं है, सलूनी का दावा मौलवी को देव नहीं देता, सिर्फ अली को देव देता है। मिंबर पर सलूनी सिर्फ मेरे मौलवी ने कहा है, हालांकि इमाम हसन पे भी इतना ही था, इमाम हुसैन पे भी इतना ही था, चौथे पे भी इतना ही था, आखिरी पे भी इतना ही है, मगर उन्होंने मिंबर पे जाकर सलूनी नहीं कहा। क्यों? ताकि दादा का एहतराम कयामत तक बाकी है। नौ नाम है अल्लाह